ഇതാക്കിയ നമുക്ക് മുന്നിൽ വന്നിട്ട് അപ്പോൾ ഈ വിഷയം പഠിക്കുമ്പോൾ എന്നെ വളരെയധികം ചിന്തിപ്പിച്ച ഒരു വിഷയമാണ് പ്രായശ്ചിത്തം. മജബൂർ ക്യാ ഹേ പ്രായശ്ചിത്ത ക വിഷയം. अच्छी तरह से मालूम है कि मुझसे भी अधिक अच्छी तरह से इस विषय में बात करने के लिए ज्ञान से भरे हुए अधिक भाई है हमारे बीच में. लेकिन जो बातें मुझे स्पर्श की और जो मुझे मालूम है केवल वो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ. प्रायश्चित का सही अर्थ क्या है पहला वो हम समझ के लेंगे. ഞാൻ യഹോവയെ നിന്നോട് തന്നെ ആകുമെന്ന് ഞാൻ പാപം ചെയ്തു.
भले मनुष्य मनुष्य के बीच में अनबन हो गया, शत्रुत्व आ गया और पाप की वजह से, तो लेकिन सबसे बड़ा बात ये सच्चाई ये है कि मनुष्य और परमेश्वर के बीच में दरार आ गई। इसलिए वो भजन संहिता में कहता है कि हे प्रभु मैंने पाप किया तेरे ही विरुद्ध। विषय में हम लोग देखते हैं कि ये हमारे और परमेश्वर के बीच का बात है। कितना आशाहीन है ये समझ से कितना हमें हमेशा अड़चन मिलता है।
ये समस्या मुझे हमेशा विचलित करती है भाइयों। चले पापों में हमने लावर्तिक के बोल कुछ पाप जब हमारे जीवन में जब अंचल मचाती है बड़ा नहीं अधिक प्रयास से पेटे हम निराश रहे करता हमें ये अंदर ये अंदर लगे चोदी इतने मुंबई वेलु बोल रहा है प्राय चित्त तुझे बड़ा रे संतोष कर माये तो बड़ा रे अधिक अनुग्रही के पेटे लाए हम को मन चला कर तो कोई ऐसे समय में जब कुछ पाप जो हमसे नहीं निकल आ रहे आता थे हम नहीं पा रहे ऐसे समय में हम लोग जब अगर प्रायश्चित जो विषय को अच्छी तरह से समझे तो हमारे हम लोग बहुत ही मुश्किल उससे बड़ा छुटकारा और आनंद महसूस होगा। संभव प्रायश्चित एक ही बार ही हुआ घटना है लेकिन प्रायश्चित का जो एक बार जो किया हुआ कार्य का अनुभव हमें निरंतर प्रतिदिन जिंदगी भर हम उसका फल का अनुभव उठा पा सकते हैं। इस प्रायश्चित का जो फल है हमें विश्वास के द्वारा मिल रहा है भाई। मतलब हम लोग जब देखते हैं कि विश्वास के द्वारा मतलब देखो कैसा लिखा है वहाँ पे जो विश्वास करने से मतलब हिंदी बोल्ड इन हिंदी जो विश्वास करने से कार्यकर्ता होता है क्या यीशु मसीह ने जो लहू बहाया उसके उसके ऊपर विश्वास करने से ये विश्वास करने से नाला ये विश्वास इच्छा नमक विश्वास मुगांतर नमले पड़ बैठे इंगने कैसा वो विश्वास आएगा जैसा हमने लिखा विश्वास करने से आता है ये प्रायश्चित मैंने विश्वास किया था पहला दिन लेकिन दूसरे दिन वापस मैं भी पाप में गिर रहा हूँ मैंने विश्वास किया था बहुत बड़ा हमें ये बहुत गहरा बात है हमें समझना जरूरी है ये मृत्यु तक ये बात हमारे जीवन से निकलता नहीं है मतलब छुटरा नहीं है इसकी जरूरत हमें अंत तक पड़ता है। मनुष्य मनुष्य वो व्यक्ति जो मृत्यु तक कुछ ना कुछ पाप कर बैठता है गिर जाता है। मनुष्य नम्रे इडे തന്നെ നമ്മളെല്ലാവരും വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവരാണ് ആർക്കെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ധൈര്യത്തോടെ പറയാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ നാളെ മറ്റന്നാൾ പാപം ചെയ്തില്ല। हम लोग इधर जब बैठे हुए हमारे हमसे सवाल पूछे हम लोग सब लोग दोबारा जन्म पाए हुए धर्मी ठहराए हुए लोग क्या उनमें से कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कह सकता है जो पक्का कि मैं कल और परसों में पाप में गिरूंगा ही नहीं। अगर इस तरह की कोई भी अगर बोल सकता है धैर्य से कि मैं नहीं करूंगा कल या परसों पाप कोई पाप में गिरूंगा नहीं तो व्यक्ति सबसे बड़ा पवित्र व्यक्ति होगा। लेकिन दुनिया में केवल एक ही व्यक्ति है ऐसा जो कर कह पाए तुम में से कौन है जो मेरे अंदर पाप का दोष लगा सके। अत्र विशुद्धനായ ഒരു കർത്താവിനെ പ്രായശ്ചിത്ത ബലിയായി ആക്കുമ്പോൾ പിതാവിന്റെ ഹൃദയ നിലവാരമാണ് നമ്മളോട് മനസ്സിലാക്കുന്നത്। प्रभु इतना पवित्र मनुष्य को ही पकड़ कर परमेश्वर हमारे प्रायश्चित के लिए बलि के स्वरूप अर्पण कर रहा है तो पिता का महानता को देखो इधर हमें दिखाई देता है। ये विश्वास को तो बताते हैं तो ये विश्वास का मतलब क्या है हृदय तिले कारण इट इज द हैंड ऑफ द हार्ट तो हृदय का हाथ ये है हृदय का हाथ अंदर नाम मतलब गुरु देवदास ने बताया फेथ इज द हार्ट ऑफ द हैंड तो देव परमेश्वर दास ने यूं कहा कि विश्वास क्या है विश्वास तो हृदय का हाथ है। हृदय तेरा कारण है क्या हृदय के पास हाथ है क्या हृदय तेरा कारण है क्या हृदय में आंखें है क्या हृदय ते हृदय तिंते कारण कोंडे पीड़ित अवकाश पड़ता पंजन नाम विश्वास हृदय को अपने हाथों से वो आगे कर पकड़ने का जो सामर्थ्य है उसे उसे विश्वास कहते हैं। प्रायश्चितम करता ഒരിക്കലായി നടത്തിയ പോൾ അതിനെ വിശ്വാസമായി പരിഗണിക്കുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ ഹൃദയം കൊണ്ട് ഞാൻ അത് പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിച്ചു എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എനിക്ക് മനസ്സിലാകുമ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ മുട്ടുകുത്തുകയാണ്। प्रायश्चित जो क्या है अगर भाइयों अगर उसका सही अर्थ हमें परमेश्वर से अगर उस विषय के बारे में प्रकाश आ जाएगा तो हम में से हर एक व्यक्ति प्रभु के सामने घुटने पे आ जाएंगे। प्रायश्चित प्रायश्चित
केवल एक विश्वासी के लिए ही दिया गया कोई बात नहीं है, किया गया बात नहीं। इस दुनिया के सारे मनुष्य जाति के लिए दिया गया किया गया वो कार्य है। उस वाक्य में अभी अभी पढ़े पहला ही होता है, दूसरा अध्याय दूसरा वचन, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं पर सारे जगत के पापों का भी। എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും പാപത്തിന്റെ പ്രായച്ചിത്തമായി കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു അവന്റെ രക്തം हम यहाँ पर ये वचन के आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि केवल विश्वास करने वाले लोग उनके भी है, उनके लिए नहीं केवल प्रायश्चित का फल। परमेश्वर ने जब यीशु मसीह को दे दिया था प्रायश्चित के तौर पे, वो सारा मनुष्य जाति के लिए भी उसने अपना बेटे को कुर्बानी दे दी। उनके लिए भी परमेश्वर यीशु मसीह ने प्रायश्चित किया, लेकिन उनके उनके ऊपर उनके लिए भी प्रायश्चित करने के बावजूद क्यों मनुष्य वे लोग नरक में जा रहे हैं। मैं ये इस सवाल पे डायरेक्टली हमेशा अपने आप को पूछता हूँ, ये लोगों से पूछता हूँ, क्योंकि लोग मुझसे पूछते हैं ये सवाल, क्या प्रभु कुछ यहाँ पर अन्याय कुछ कर रहा है क्या। हम लोग इस विषय में थोड़ा मनन करने की जरूरत है कि कुछ लोगों को परमिशन छूना, कुछ लोगों को परमिशन नहीं छूना, ऐसा ये विषय आ रहा है। ये बॉटल हम लोग सब लोग जब देख सकते हैं, ये बॉटल इन्हीं इष्ट आनंद है, समझो कि ये बॉटल को मैं बहुत पसंद करता हूँ, आधे इष्ट की सबोधन ने उठावनो तो निर्बंध उठो कि ये बहुत जरूरी है कि जैसा उसको अच्छा लगता है बॉटल मुझे भी ये बॉटल पसंद आना चाहिए, जरूरी है क्या। ഞാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭയങ്കര ഗുണനിലവാരമുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിവർത്തിക്കുക പറഞ്ഞിക്ക സഹോദര, ഈ ബോട്ടലിന്റെ പ്രത്യേകത ബ്രദർ അറിയില്ല, ഈ ബോട്ടൽ നല്ല ബോട്ടൽ ആണ്, ഇതിന്റെ ഉൾക്കൊള്ളിരിക്കുന്ന വെള്ളം ഇതിന് ഫിൽട്ടേർഡ് ആയ വെള്ളമാണ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ എത്ര പറഞ്ഞാൽ अच्छा लगना ये व्यक्तिगत बात है, सबको एक सरीका नहीं होता। मैं इधर 10 जन को 10 चॉकलेट दे समझो, इधर 50 जन है समझो कि मैं 10 जनों को देता हूँ, बाकी 40 पेर पढ़ेंगे ना, बाकी के 40 लोग बोलते हैं उल्ले पढ़ेगा क्या, अंदर शायद बोले भले बात का ना, तो अन्याय भाई, क्या ये अन्याय नहीं क्या। बाकी 10 जनों को देने के लिए मुझे दिलचस्पी नहीं है, क्या वो 40 जन की तो मेरे पास आकर मुझसे सवाल कर सकते कि तुम मुझे वो चॉकलेट हमको भी देना चाहिए था करके, वो तुम हमें देने ना देने के लिए तुम्हारे अंदर दिलचस्पी क्यों नहीं हुई। संकीर्तन नहीं पर है मदन संकीर्तन में ऐसा बोला, मैं सियोन को पसंद करता हूँ, मैं अपना निवास स्थान बनाने के सियोन पर बनाने के लिए इच्छा रखती हूँ। इष्टों कर्ता ने निगो कर्ता ने पर्सनल कार्य बातें ना नोट पेट्टो ये ना ना और कौन कौन मैंने क्या था नहीं कुछ नहीं क्या पता। मैं प्रभु का जो पर्सनल मैटर था कि उसको जो टेस्ट उसको दिलचस्पी हुई उसमें उस दिलचस्पी प्रभु ने मेरे प्राण के विषय में भी सोचा, ये बात को सोचते हुए मैं अक्का पक्का हो जाता हूँ। ഒരു പുഷ്പൻ ഒരു മണ്ണിൽ നിന്നും ഒരു ക്ലേ പോട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആ പോട്ട്
മണ്ണിന് പറയാനുള്ള അധികാരം ഉണ്ടോ? നീ എന്നെ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെന്നും ഒരു ഒരു ഫ്രെയിം അതേ മണ്ണിൽ നിന്നും ഒന്ന് മാനപാത്രത്തിനും ഒന്ന് അപമാനത്തിനും അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു. एक कुमार क्या जब मिट्टी से उठाकर अलग अलग तरह का पात्र को बनाता है, कुछ मान के लिए कुछ मान के लिए, वो क्या वो मिट्टी कह सकता है अपने कुमार से कि तुमने मुझे क्यों ऐसा बनाया? लेकिन प्रायश्चित ऐसा नहीं है, प्रायश्चित प्रभु ने सबके लिए एक तरीका किया, इसीलिए हम लोग सब जगत को समाचार को बांटना हमको मालूम है, हमारे बीच में ही मसीह अलग अलग मसीह धर्मों के मित्र है, रिफॉर्म ग्रुप भी है. चले ആളുകളോട് സുവിശേഷം പറയുന്നത് എന്താ അറിയോ, അവരെ വിശ്വസിക്കുന്നത് അവരെ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അവരോട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം. परमेश्वर का जो मुक्ति का जो कार्य वो केवल सीमित है, ऐसा विश्वास करने वाले लोग हैं. लेकिन प्रायश्चित शब्द यूज कर रहे हैं नए करार में, वही शब्द को इब्रानियों में पुराने करार में मुक्ति करके शब्द यूज किया है. लेविय का 17 पढ़े. क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित देखो किस तरह प्रभु ने वहां पर पुराने करार में ही वो सब प्रायश्चित ही वहां पर गए जो इंग्लिश में अटोनमेंट बोलते थे. कृपासन लिखा है क्या हिंदी में? बड़े
निर्गमन 25:22 ऐसा इतना लेट क्यों लगता आप लोग? जोर से थोड़ा स्लोली पढ़ो, जोर से। मैं उसके ऊपर रह कर तुमसे मिला करूंगा और इसराइलियों के लिए जितनी आज्ञाएं मुझको तुझे देनी होगी उन सबों के विषय में प्रायश्चित के ढकने के ऊपर से और उन करूबों के बीच से जो साची करने के सबूत बनाएंगे तुझसे वार्तालाप किया करूंगा। वापस बोलो, वापस बोलो। अरे
കെരൂബുകളുടെ ഇടയിൽ അവൻ വസിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ നിവാസം സ്വർഗത്തിൽ കെരൂബുകളുടെ നടുവിൽ ജീവിയാണ് അവരുടെ നടുക്കാണ് കർത്താവിന്റെ വാസം चार और पांच।
ये संतु इन चीजों में बहुत से कमियां हो सकती हैं, तो केवल अपने अपना जो विषय को लेकर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। हम देख सकते हैं ये संतु के अंदर तीन महत्वपूर्ण बातें वो है मन्ना, दूसरा है आरोह का छड़ी और तीसरा है जो वाचा का मंदा से भरा हुआ बाद में आरोप का छड़ी और दूसरे के जैसे योजना भाषा में सीखा है व्यवस्था के अच्छी तरह से समझा और 613 पहला जो आगे थी वो बाद में 10 आगे बन गए। प्रवेश मसीह में आने तक वो 10 आगे दो में बदल गए। अदिल मात्र मुड़वेलो मुड़वेलो अदिल मात्र मुड़कोंडे सारे प्रवेश के आगे ये दो आगे में तकती है सागर प्रमाणंगलों सागर पुरोहित ने मारो बीए में कार्य तेरे तुम कब प्रभु ने बोला कि सारा आज्ञा है सारे भविष्यवाणी वक्ता है सब ये दो आज्ञाओं की मैं टंग रही है ये मंजर के विषय में केवल मैं छोटे रूप में बताता हूँ। कितना वर्ष इसराइल जाति के लोग मन्ना खाए? 40 वर्ष। हम कितने जन थे? 20 लाख के लोगों को परमेश्वर ने इतना अद्भुत रूप से चलाया। इतने तो ये मानना कि टेट और मार्मरी
लेकिन ये मन्ना मिलने के बावजूद भी लोग कुड़कुड़ा रहे हैं परमेश्वर के मेरे अपने हमारे कंडल बेहर भी तो रहे थे कर्ता अपने न्याय प्रमाण उधर आपको दूसरा साइड हम देखते हैं परमेश्वर का व्यवस्था आता फिर मारते नहीं चु उधर वे लोग ने छुपा दिया मन्ना कुड़ता वो फिर फिर तो वे लोग भूल गए और मन्ना जब दिया तो उन्होंने कुड़कुड़ाने शुरू किया हमारे मन्ना तारकता बड़ी देव के लीडरशिप ने अगर अंगीकारी चिल्ला आरोप का जो चढ़ी जो परमेश्वर का अगुवाई का मार्गदर्शन करवा सकता था उन्होंने उसका भी बलवा किया ऐसे लोग को मार देना चाहिए ये थे शब्द दो केरूब लोग एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे लेकिन ये संदूक के बीच में जो लहू जो छिड़क रहा है ये प्रायश्चित का फल होने की वजह से सबसे प्रभु के नजदीक थे जब नए नियम में जाकर देखते तो फिर यौना आश्चर्य हो जाता है जो सबसे नजदीक प्रभु के वे लोग होने वालों में मेरे पाठ में ने 13 आओ प्रकटीकरण का 1 का 13 इधर वेली लाने के रूप देखो ये सात दीपट के बीच में प्रभु यीशु वहां पर प्रकट हुआ है और केरूब का स्थान ये दीपट के बाद है मतलब आप सोच सकते हो कि सबसे जो नजदीक लोग जो प्रभु यीशु के संग रहेंगे वो ये सात दीपक पूरे समय तक केरूब आदमी अड़ते जीवित रहना दीपक हम लोग कांटो पड़े थे लेकिन एक समय में केरूब था जो एकदम प्रभु के नजदीक उनका स्थान था जो वे आ सकते थे नजदीक मैं हमेशा बहुत बार अपने विषय में सोचता हूँ प्रभु स्वर्ग में मुझे कोई कोने का भी स्थान मिले तो भी बहुत होगा लेकिन हमारे प्रभु का प्रार्थना का अंतिम प्रार्थना में ध्यान दिया प्रभु मन में क्या कहा योना का 17वां अध्याय लास्ट वर्स उसका अंतिम वर्ष वचन महिमा देखने के लिए मैं जा पा हूँ वहां पर वे लोग भी रहे कलीसिया के विषय में बता रहे ये सात दीपक कलीसिया को दर्शा रहा है जब यवना ने देखा तो यवना मरा जैसा बन गया प्रभु का जो प्रायश्चित का जो कार्य का महिमा को अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग गिर जाएंगे मरे हुए जैसे हो जाएंगे प्रभु के ऐसा का भी हम देख सकते जब प्रभु को उससे झलक देखा तो उसका अवस्था क्या हो गया वो केरूब आना पड़ता है वो वेदी में चलता वो कोयले से उठाकर वो जाकर ईसाया के जवान पर रखता है और पवित्र घोषित करता है इस तरह का हमें नजदीक मेल मिला करके नजदीक लाया हुआ हमारा स्थान को देखने के बाद बाहर वाले जीवी कोई भी आकर हमारे अंदर दोष निकाल सकता है क्या कि हम कलीसिया के ऊपर उंगली भी दिखा पाएगा कि उनके अंदर ऐसा हमने धर्मी ठहराए जाने के विषय में भाई जयपुर सिंह हमने सुना अगर आपको पता थे कोई भी नहीं कर सकता दिखा सकता मानव परमेश्वर हमें क्यों धर्मी ठहराए क्योंकि वरना क्योंकि हम लोग आने वाले युग में परमेश्वर के साथ बैठकर राज करने के लिए कर्ता महिमा
ഭക്തി കവനന്റ് ഇത് എസ്എക്കിന്റെ സമയത്തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചു. ഈ മഹിമ വിട്ടോ, ഈ മഹിമ ഭൂമിയിലിരുന്ന ഈ മക്കളെയാണ്, ഈ നടുക്കാണ് ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിന ഗ്ലോറി വരുന്നത്. ഈ ഗ്ലോറി പതുക്കെ പതുക്കെയാണ് വിട്ടുപോകുന്നത്. ഞാൻ അത് ചിന്തിച്ചു, എന്തുകൊണ്ടാ ഒറ്റയടിക്ക് പോകാമായിരുന്നല്ലോ. കാരണം എസ്എക്കിയ പ്രവാചകനെ കാണിക്കുമ്പോൾ, അവിടുത്തെ പ്ലേച്ചത് കണ്ടപ്പോൾ, ആ ഭവിഷ്യവക്ത അതായത് ആ പ്രവാചകനെ കാണിച്ചപ്പോൾ വേഗം പോകാമായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ മഹിമ. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല പോയത്. ആദ്യം ഉമ്മരപ്പടിമേ വന്നു, എന്നിട്ട് പിന്നെ ജനത്തിന്റെ മീനെ വന്നു, എന്നിട്ട് പിന്നെ അവിടെ അടുത്തുള്ള മലയുടെ മീനെ വന്നു. അങ്ങനെ പടി പടിയായിട്ടാണ് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു, കർത്താവൻ അവിടെ വിട്ടു പോകാൻ മനസ്സില്ല. ധർമ്മി ന്യായാധീശ
क्या उसका बाप को क्षमा कर सकता है बिना दंड दिए? सेमी क्यों क्या वो घर भी ठहराया जाएगा अगर क्षमा किया तो? ഇവിടെ ആ പാപിയായ മനുഷ്യൻ കുറ്റം ചെയ്ത ആൾ വന്നിട്ട് പറയുക എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എഴുതപ്പെട്ട വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് നീ ഒന്ന് കണ്ണടയ്ക്കും. अगर वो अगर तू वो अगर वो ऐसा पापी व्यक्ति दयालु के सामने जाकर बोले कि मेरे पाप को मत देखो मत मुझे मुझे दोष ठहराना और ऐसा वो विनती कर रहा है तो फिर न्यायाधीश को क्या करना पड़ेगा? उसके विरुद्ध केवल सारे धर्म की व्यवस्था को के प्रति आग बंद करना पड़ेगा न्यायाधीश को ना न्याय प्रमाणम ई विषय पौलुस പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ന്യായ പ്രമാണം നിവർത്തിച്ചേ പറ്റൂ മനുഷ്യനെ. കാരണം ദൈവം തന്നത് നിവർത്തിക്കാനാ, മനുഷ്യൻ ലംഘിച്ചു, അത് മനുഷ്യന്റെ പ്രശ്നമാണ്. ഇത് നിവർത്തിക്കാൻ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു എന്ന മനുഷ്യൻ വന്നു എന്ന് പൗലോസ് രേഖപ്പെടുന്ന പൗലോസ് പറയുകയാണ്, ന്യായ പ്രമാണത്തിന്റെ അവസാനമായി കർത്താവ് വന്നു, അത് മുഴുവനും നിവർത്തിച്ചു, ഇനി നമുക്ക് നിവർത്തിക്കണ്ട. ഇവനിൽ വിശ്വസിച്ചാൽ നമ്മൾ കേട്ടതുപോലെ ഇത് നമ്മളിൽ ഓൾറെഡി നിവർത്തിക്കപ്പെടും. पालन नहीं करने पर मनुष्य के लिए ये कम कम की है, मनुष्य की ये जिम्मेदारी है और वो दंडित फिर हो जाता है. जैसे ऐसे समय में जब लिखा गया व्यवस्था का अंत में देखो मनुष्य प्रभु यीशु मसीह आया जो उसने व्यवस्था का पालन करके व्यवस्था का मांग का जो हमारे ऊपर था जिम्मेदारी वो अंत कर दिया. अभी हमें व्यवस्था पालन करके धार्मिकता प्राप्त करने की जरूरत है, केवल उस व्यक्ति के ऊपर विश्वास कर रखी है तो हम लोग धर्मी ठहराए जाएंगे. हमारे क्वेश्चन बोलकर हम लोग अंत करेंगे. इब्रानियों का 14 अध्याय उसका 16 वचन. ഭയങ്കരമായിട്ട് വിഷമം വരുമ്പോൾ ഈ പുള്ളിക്കാരത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ കർത്താവ് പറഞ്ഞു പോകാം.
उसके मन में बहुत जब दुख हो रहा था, भार हो रहा था कि मैं मैयत में जाना भी है लेकिन मैं कैसे जाऊंगी, मेरा प्रभु का नाम कभी निंदा करेगी मेरे कारण, ऐसा वो दुख जब जलता रही थी प्रार्थना में, तो प्रभु ने उत्तर दिया कि तुम जाओ बेटी। तृप्त होकर चले जाएंगे आने वाले युग में।
അവർക്ക് പിന്നൊന്നും കാണണ്ട, കർത്താവിനെ കണ്ട പോലെ. അത്രമാത്രം അവരുടെ വിഷയത്തോ അവന്റെ രൂപത്തോട് നമ്മൾ അനുരൂപമാകുമ്പോൾ प्रभु के महिमा में बदलने के लिए प्रभु ने हमें कलीसिया को वो अनुग्रह मिला है. उसके अनुग्रह में, उसके रूप में अनुरूप होने के कार्य में हम लोग लगे हुए भाइयों. അങ്ങനെ അനുരൂപമായി അനുരൂപമായി മാറുമ്പോൾ ഒരിക്കൽ നമ്മൾ അവന്റെ ജീവനെ പിടിപ്പെടുമ്പോൾ അവനെ പോലെ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്.
25 में और 9:5 में इब्रानियों में മനസാക്ഷി കുറ്റബോധം വരുന്ന ആ കുറ്റാവസ്ഥ മാറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഒരു
ക്രിയ ഞാൻ മനുഷ്യൻ ചെയ്തില്ലേ, അത് ചെയ്യേണ്ട യേശു ക്രിസ്തു തന്നെ നിന്റെ പ്രായശ്ചിത്തമാണെന്ന് നീ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുറ്റബോധം മാറും. വിശ്വാസികളെ നിന്റെ പ്രായശ്ചിത മാത്രമല്ല ഒരു ഭാവിക്ക് വിശ്വാസിയാകണമെങ്കിലും പ്രായശ്ചിതമാണ്. നിന്നെ മാത്രമല്ല മൊത്തം ലോകത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രായശ്ചിതം. വിശ്വാസ അന്യ महायाजक बना है ताकि हमें वो परमेश्वर के सामने
ബിനാ ഫലങ്ങൾ കരാ സകേ ഭക്തൻ കരേ നമ്മൾ നമ്മൾ എന്താ വിചാരിച്ചിക്കുന്നത് പ്രായശ്ചിത്തം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ക്രിയ ആണല്ലോ അല്ലേ പ്രായശ്ചിത്തം പോയി ക്രിയ മനുഷ്യ ക്രിയ കാര്യ നീക്കേ കേവല പുത്ര യേശു മസീഹ പുത്ര യേശു മസീഹ പ്രായശ്ചിത്ത സ്വർഗത്തിൽ ഗാഡി ചലാ അപ്പൊ മുമ്പിൽ ലാൽ ബത്തി പാപിയായി
ഇതിന്റെ മാംസക്കാർ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു വില കൊടുത്ത് മാറ്റി കളഞ്ഞു പ്രഭു യേശു മസീഹ് ദാമത്തുകാർ കടാത്തിയ ഇനി പിതാവ് ജി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ പിതാവിക്ക പോലെ അവനെ ഇനി പാപം ചെയ്തിട്ടേ ഇല്ല നീതീകരണം പ്രാപിച്ച വിശ്വാസിനെ പിന്നെ മലിനപ്പെടുത്താൻ നോക്കും മനുഷ്യ അവൻ തന്നെ ഒരു വീണ്ടെടുപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കി
वही स्वयं जब उसके अंदर पाप में गिर जाता तो वो दोबारा वापस छुटकारे के लिए दाम चुकाने के लिए कोशिश नहीं करता, स्वयं दीदी करना चाहिए थोड़ी वही खुद अपने आप को മനുഷ്യ കംസോറിക്ക് प्राप्त करते जा रहे भाइयों, देव तुम्हें सहायक करे, प्रभु हमारे मदद करे और प्रार्थना।